हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवाइस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 3 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है सेफ फॉरेस्ट सेफ पीपल। सेफ फॉरेस्ट सेफ पीपल, सुरक्षित जंगल सुरक्षित लोग। डिस्ट्रक्शन किया था इतने सालों से जंगलों का, तो वाइल्ड एनिमल्स बाहर आ गए थे निकल निकल के। ऑफकोर्स डेडली वायरस वो साथ में लेके आए और इंसानों के पास आते ही इंसानों को फैला दिए गए। चाहे वो, अब आप कहने को तो कह सकते हो कि इसके जिम्मेदार जानवर हैं, लेकिन करीब तो इंसान गया था। चाइना में मार्केट तो इंसान ने खोले, मीट मार्केट। रैपिड स्प्रेड ऑफ सार्स कोव टू वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज फोकस्ड अटेंशन ऑन द सीमिंगली इनविजिबल प्रोसेसेस दैट हेल्प पैथोजेंस ओरिजिनली फाउंड इन द वाइल्ड एनिमल्स मेक द लीप टू ह्यूमंस। स्प्रेड जिस तरीके से सार्स कोव टू का फैला पूरी दुनिया में, एक अटेंशन इस तरफ गई कि क्या पैथोजेंस कहाँ से ओरिजिन आ रहे हैं। और ओरिजिन जब पता चला कि ये तो जूनेटिक डिसीज और जूनेटिक यानी वाइल्ड एनिमल से ये सीधे ह्यूमंस में आ रहे हैं, तब पता चला कि ऐसे कई भी वायरस हमारे और भी आ चुके। इबोला, HIV एनिमल ओरिजिन है सबके। सार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये प्रिलिम्स के लिए याद रख लेना कि कौन कौन सी जो है जूनेटिक डिसीज होती हैं एनिमल से ह्यूमन में आती है। अलार्म कंडीशंस इन्होंने रिसेंट ईयर्स में दी थी, और कोविड-19 नया नहीं है इस मामले में। हालांकि ये ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा लेके चलता है, और यही डर भय सारे देशों को है। वुहान से ओरिजिनेट हुआ, कुछ फैक्टर्स निकल के आए। पहला तो ये कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन जिस तरीके से हुआ है। दूसरा, वाइल्ड स्पीसीज़ को फार्मिंग कर रहे हो आप, मार रहे हो, शिकार कर रहे हो, उनको बेच रहे हो, वो ह्यूमंस के करीब आएंगे। वायरस अगर साथ में लेके आएंगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स में कर पहले फैलाएंगे, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स से ह्यूमंस में फैला देंगे। चिंता की बात ये भी है कि राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोड बिल्डिंग, माइनिंग कर रहे हो आप, बिल्डिंग्स बना रहे हो, जंगल काट रहे हो, फॉरेस्ट काट रहे हो आप, लोग और तेज़ी से करीब आते जा रहे हैं जानवरों के, ये भी तो एक फैक्टर है, इससे भी तो डिसीज़ बढ़ रही है। दूसरा डायमेंशन ये भी है कि ग्लोबल ट्रेड वाइल्ड स्पीसीज में जिस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे कि वुहान वुल्फ पप, भेड़िए के बच्चे, चूहे, केवेट्स, फॉक्सेस, लोमड़िया, और सबसे ज़्यादा ये जो है बिक रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं, साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स भी बिक रहे हैं, इनके साथ ह्यूमन का कॉन्टैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो जो लापरवाही इंसान करता आ रहा है वही आज इसको भुगतना पड़ रहा है। निपा, हेंद्रा वायरस, ये सब बैट से पिग की तरफ आए, बैट से हॉर्सेस, अच्छा निपा बैट टू पिग्स, वाइल्ड से डोमेस्टिक, हेंड्रा बैट्स टू हॉर्सेस, वाइल्ड से डोमेस्टिक एनिमल में, फिर हॉर्स ह्यूमन के करीब, पिग्स ह्यूमन के करीब फैल गया। तो एक तरीके से इट अंडरस्कोर्स मतलब इम्पोर्टेंस देता है किसको, वायबल इकोसिस्टम को मेंटेन करने की वैल्यू को, कि भाई तुमको इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, डिसरप्शन करोगे तो तुम्हारा ही खात्मा होगा, तुम्हारी ही जिंदगी रुक जाएंगी, तुमको ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वाइल्ड बैट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा ह्यूमन सराउंडिंग से, कि वाइल्ड बैट्स किसी न किसी तरीके से करीब ना आ पाए। बायोडाइवर्सिटी जंगलों में रहती है, तो कई तरह के वायरसेस भी रहते हैं, पैथोजेंस भी रहते हैं, हालांकि वाइल्ड एनिमल्स में ही वो रह जाते हैं, लोगों के पास नहीं आते। तो एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि एक तो सरकारें जो अनडिस्टर्ब लैंडस्केप्स हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स हैं, जंगल हैं, उनको किसी तरीके से ऐसा ना देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रोक रहे हैं। जो हमारे जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे सेंचुरीज हैं, ये सब एक तरीके से जो हमारी नेशनल पार्क्स हैं, ये इकोनॉमी को हिंडर नहीं करते कि ग्रोथ इनकी वजह से नहीं हो पा रही, बिल्डिंग माइनिंग इंडस्ट्री नहीं आ पा रही। कितना भी इंडस्ट्री खड़ा कर लो, इनको नुकसान पहुंचाओगे तो आपकी सारी इंडस्ट्री डूब जाएगी ना। आज अगर वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है, 10 सालों में जितना भी वर्ल्ड ने पाया सब खो देगा, तो फिर 10 साल में जंगल काटने का मतलब क्या रहा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप दिमाग लगाएं तो, और सरकारों पर अगर प्रेशर डाले तो, और अगर थोड़ी सी भी समझ अगर इंसानों में है तो। कोविड-19 ने प्रूव कर दिया कि शॉर्ट टर्म में कितना पैसा कमा लो, कितने भी ग्रोथ में आप छलांग मान लो, एक पैंडेमिक आपकी सारी धज्जियाँ उड़ा देगा। ये जो टेरिबल जो आउटकम आया है, दोबारा आया है, दोबारा आएगा भी, इससे इन्वायरमेंट को एक्सप्लोइटेशन हुआ था, वो एक वजह है। पैंडेमिक्स धीरे धीरे जो है ऐसा नहीं है,
कई बार आ चुकी, कई बार साइंटिस्ट वार्निंग दे चुके, सरकारें इस पर अटेंशन नहीं देती। अब नोवल वायरस है, ये नया वायरस है, एफर्टलेसली ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये फैल चुका है। प्रीवियस एपिडेमिक्स तो फिर भी चलो ठीक है, इतना नहीं था, लेकिन इस एपिडेमिक ने, इस पेंडेमिक ने जिस तरीके से काम किया है वो सब आपको पता है। इकोनॉमिक डिवास्टेशन, लॉकडाउन, लोग मर रहे हैं। वार्निंग है सरकारों को एक तरीके से कि जो परमिशंस तुमने लोगों को दी, रिच पीपल को दी, कैपिटलिस्ट क्लासेस को दी, अमीर लोगों को दी, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, माइंस बनाने के लिए, पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ऑलरेडी इनफीबल फॉरेस्ट में, जंगलों में, जहाँ पे जानवर ऑलरेडी मर रहे हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कुछ तो एक्शन एक्ट हो चुकी, वहीं पे वापस आप जो है रोड वगैरह बना रहे हो, रोड वहां से बीच में से गुजार रहे हो, तो ये तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा ना। इसमें नियत, कर्म, भाग्य, ये क्या करेंगे, कर्म ही है ना आपके। तो कुल मिला के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सिस्टम को वापस अच्छे से लाना पड़ेगा और अच्छे से जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा। स्टेट्स को भी थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज को पूरी तरीके से साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना पड़ेगा। सबूत अभी यही आ रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हेल्थ प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मींस हेल्थ प्रोटेक्शन। तो ये आज का जो है एक कोट बन चुका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मींस हेल्थ प्रोटेक्शन। तो कुल मिला के फॉरेस्ट को, जिनके पास डाइवर्स स्पीसीज हैं, वो वायरसेस को अपने अंदर ही रख लेते हैं, आदमी के पास नहीं जाना चाहते। अब उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो आएंगे। ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ये विम्बलडन जो गेम है इसमें ये जो है कैंसल हुआ है। तो स्पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी पूछता है नहीं, तो अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं नहीं मानता कि ये जरूरी है। क्वारंटाइन एंड द लो, तो कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो इस तरीके के क्वारंटाइन और आइसोलेशन जो लगाए जाते हैं इनको रिव्यू कर सके और अपहेल्ड भी कर सके पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उनको सच भी बता दे, सही भी बता दे, गलत भी बता दे। क्वारंटाइन एंड द लॉ, ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है ये ऐसे कैसे मेंस में भी, ऐसे में भी आ सकता है कि क्वारंटाइन एंड द लॉ, बस क्वारंटाइन एंड द लॉ। इस आर्टिकल को मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें यूएसए के केसेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी है। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन एक ओल्डेस्ट मैकेनिज्म है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, वायरल ऑनस्लॉट्स को रोका जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो कंप्लीटली एलिमिनेट भी किया जा सकता है। लीगली सैंक्शनड है ये दुनिया में, हर देशों में। जैसे भारत की मैं बात करूँ तो आपके सेक्शन 144 लगा सकते हैं, एपिडेमिक डिसीज एक्ट लगा सकते हैं। तो कानूनों के द्वारा ही ये लगाया जाता है, कानून में ही जो है पावर होती है। एंशंट टाइम से सोसाइटीज़ ने आइसोलेशन किया था, ट्रैवल पे भी बैन किया था जब जब जरूरत पड़ी। ये ना केवल एक तरीके से डिसीज़ को रोकने के लिए बल्कि सिटीजन्स की हेल्थ बचाने के लिए भी जो है ये सब किया गया था, किया जाता है। जिस तरीके से डिसीज़ बढ़ती जा रही है, क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती जा रही है, और जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन या यूएसए का सेंटर है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, इसने भी जो है क्वारंटाइन की ज़रूरत सबको बताई है। इसने बताया क्वारंटाइन एक मेडिकली एक्सेप्टेड मोड है जिससे आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोक सकते। तो एक कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव एक तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करने का जो कि इन्फेक्शन डिसीज से जूझ रहे हैं। अब देखो क्वारंटाइन एंड लो बेसिकली क्या है कि इस पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समझाना पड़ेगा। पहले तो क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन से कैसे डिफरेंट है वो भी हम पढ़ेंगे, और साथ में क्वारंटाइन के फ़ायदे क्या हैं, क्यों करना पड़ता है, और लॉ इस पे क्या कहता है। तो लॉ के लिए आपको जो सारे एक्ट मैंने बताए वो आपको डालने पड़ेंगे। एपिडेमिक डिसीज एक्ट सेक्शन 144 ये सब डाल देंगे तो लॉ की इन्फोर्समेंट हो जाएगी। हालांकि कई चैलेंजेस सामने हैं। पहले तो ये कि
पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो लोगों का राइट टू मूवमेंट है आर्टिकल 19 वो हर्ट होता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो हर्ट होता है। लेकिन इनके बावजूद भी हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ के लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है स्ट्रक्चर बना के लिखना होगा। तो क्वारंटाइन अगर आपने कर दिया तो सबसे पहले फिर आपको क्वारंटाइन एक्सप्लेनेशन करने के बाद बतानी पड़ेगी हिस्ट्री, जिस तरीके से पहला लो आया मेडिकल आइसोलेशन में वो आया ग्रेट काउंसिल इन 1377 जहाँ पे प्लेग्यू जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को रूइन कर रहा था, और फिर जो है एक तरीके से डिटेंशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लग गया कि मेडिकल रीजन की वजह से जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको डिटेन कर लो, मतलब किसी को बीमारी ना हो सिम्टम दिख रहे हो तो भी डिटेन कर लो। तो ये डिटेंशन जो किया जा रहा है ये लो एक तरीके से लो की पावर थी, इसमें 30 दिन के लिए किया गया, फिर 30 दिन के बाद इसको 40 दिन के लिए किया गया, तब से ये टेरेंटिनो से क्वारंटाइन इसका नाम जो है चलने लग गया, ठीक है 40 डे डिटेंशन, क्योंकि आपको देखो 3 दिन में ट्रेंटिनो और 14 डे है तो क्वारंटाइन, समझ में आ रहा है, जैसे हम क्वार्टर कहते हैं ना क्वार्टर 4 पार्ट्स को वैसे। तो कॉमन अगर पैरालेंस में देखें क्वारंटाइन और आइसोलेशन का बहुत जो है मतभेद होता है, इंटरचेंजेबली इसको यूज किया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों के अलग अलग मतलब है। क्वारंटाइन जो है वो पर्संस को सेपरेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाता है, उन लोगों को जो इन्फेक्शन से जूझ सकते हैं लेकिन अभी तक बीमार नहीं है। तो हम लोग कल, माफ कीजिएगा मैंने वीडियो में आपको उल्टा बता दिया था, आज मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्वारंटाइन में हम लोग हैं, हम सब जो इन्फेक्शन से जूझ नहीं रहे लेकिन कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, एक्सपोज ना हो जाए, हम एक्सपोज हैं यानी कि फैल ना जाए, बस उसके लिए हम ये क्या करते हैं। आइसोलेशन में केवल जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको अलग किया जाता है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल में सबसे पहले क्वारंटाइन लिखेंगे, आइसोलेशन लिखेंगे, फिर समझाएंगे, फिर जो है आप बताएंगे किस तरीके से करंट कोविड 19 क्राइसिस आया और शॉप्स वगैरह एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्लोज हुए और डिफैक्टो क्वारंटाइन में लोगों को रखा गया, यानी हमारे पास कोई लो नहीं लाए हम, क्वारंटाइन नाम के कोई लो हमने जो है इनेक्ट नहीं किया, हम कुछ एक्ट थे उनको मिला के जो है क्वारंटाइन लगाए जा रहे हैं, और एक तरीके से फिर भी हम इसको क्वारंटाइन अगर बोल रहे हैं बिना लो के तो डिफेक्टो क्वारंटाइन। डिफेक्टो मतलब एक होता है डिफेक्टो, होता है डीजोर, डिफेक्टो जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे डिफेक्टो रूलर है, एग्जीक्यूटिव हेड है डिफेक्टो। डिफेक्टो मतलब कोई चीज़ लीगली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन तथ्य में रियलिटी में वो है। जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको इतनी पावर नहीं दिखाई देगी जितनी प्रेसिडेंट की है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर रियल पावर रखते हैं। तो एक तरीके से डी जोरे जो क्वारंटाइन है, डी जोरे जो हेड है हमारे प्रेसिडेंट है, जो लो में तो है लेकिन असलियत में नहीं है, तो क्वारंटाइन हमारा डिफेक्टो मतलब कि कानून में नहीं है लेकिन असलियत में क्वारंटाइन हमारा हो रहा है, तो डिफेक्टो क्वारंटाइन हमारा हो रहा है, ये याद रखना। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी और कोई भी स्टेट जो है वो क्वारंटाइन का ऑर्डर इशू कर सकता है, हालांकि ये जो है अभी लीगल इशू है, कई केसेस सामने आए यूएस में भी देखे गए, ये सब आप जो है नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कई चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले ये सब आप एक्सप्लेन करने के बाद आप जो है बताएंगे कि किस तरीके से क्वारंटाइन है और लो क्या कहता है। लो में आप बता देंगे कि कोई स्पेशल लो तो हमारे हैं नहीं, कुछ लॉज हैं, फिर आप लिखेंगे कि जरूरी क्यों है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि पब्लिक हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एक को हो गया सबको होगा और हमारे पास इतनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इनएडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं करोगे, क्वारंटाइन अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे जो इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल पीपल है जिनके पास तो इलाज नहीं है, उनको भी ये हो सकता है। और चैलेंजेस क्या क्या है जो मैंने बताया आपको, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू मूवमेंट हो गया, पब्लिक लिबर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो कंक्लूजन में आपको डालना है कि चैलेंजेस होने के बावजूद भी, रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो ग्रोथ हम लेके आए हैं इतने सालों में, शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है वो सिर्फ एक पैंडेमिक की वजह से, एक इस तरह के नोवेल वायरस की वजह से सारी जो है चली जाती है और हम पीछे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्वारंटाइन कुछ समय के लिए जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में। मेकिंग द प्राइवेट सेक्टर केयर फॉर पब्लिक हेल्थ, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये पढ़ेंगे। इंडिया कोविड 19 के नेशनल लॉकडाउन के सेकंड वीक में चला गया है, ये अभी भी साफ नहीं है कि कितना प्रिपेयर्ड हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑफकोर्स रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज की भारी कमी है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अकेले इस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे।
कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट शेयर की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे वीकेस्ट लिंक यही है कि हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम में टर्शरी केयर और पब्लिक हेल्थ जो है वो ढंग से नहीं है। तो प्लान तो हमने ले लिया, लेकिन प्लान हमको और तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इक्विपमेंट के मामले में, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और ह्यूमन रिसोर्स। लॉकडाउन तो हमने कर दिया, आगे इस लॉकडाउन में किस तरीके से टेस्टिंग हो, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम करे, ये प्लान भी आगे शामिल होना चाहिए। अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने इस चीज़ पे बहुत कम ध्यान दिया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ पे बढ़ाया जाए। तो जब ये कोविड-19 आया तब ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन्ड है, ऑलरेडी इसके पास रिसोर्सेज है नहीं, अब कोविड-19 के केसेस से कैसे झेल पाएगा, तो स्पष्ट बात। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ जो चलाते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ जो हैं वो आगे आएँ, कैपेसिटी बढ़ाएँ और ये अवेलेबल करवाए कि कोविड-19 पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है, हवा में बातें करने से तो होगा नहीं, ताकि प्राइवेट हेल्थ केयर कैपेसिटी पब्लिक के लिए रहे। प्राइवेट हेल्थ केयर कैपेसिटी अमीरों के लिए थोड़ी है, गरीबों के लिए भी रहे, पर ये करेगा कौन? सरकार किया, कई राज्यों ने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फ्री ट्रीटमेंट करवाने प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेंटर हो या राज्य में है, इनकी साइलेंस दिखाई दे रही है, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चुप नहीं रहना पड़ेगा किस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ चार्ज, जो सबको एक्सेसिबल हो। इसके लिए गवर्नमेंट को ना केवल अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी पब्लिक सेक्टर में, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो अवेलेबल कैपेसिटी उसको टैप करना पड़ेगा। सीरियस हेल्थ इमरजेंसी से फेस करते हुए गवर्नमेंट की जो चुप्पी है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से आगे लेना है, ये काफ़ी जो है इंटरव्यूइंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट चुप क्यों है। अब कहती तो गवर्नमेंट ये है कि जो आपकी आयुष्मान भारत योजना थी, जो पीएम जन आरोग्य योजना, वो जिसमें फैमिली को 5 लाख जो है साल का इंश्योरेंस मिलता था, तो कुल मिला के आप देखें तो पीएम जन आरोग्य योजना को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स में कोविड-19 जो है वो पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर आएगा, मतलब जो गरीब हैं वो इसका इलाज करा सकते हैं फ्री में, इंश्योरेंस उनको मिल सकता है, उनको जो है सारी जो कीमत है वो सरकार चुकाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का हेल्थ सर्विस सिस्टम क्लियरली फ्रेगमेंटेड है, पब्लिक में एंजाइटी क्रिएट हो चुकी है, सेंट्रल कमांड की जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि होनी चाहिए थी हेल्थ मिनिस्टर के अंदर, उनके साथ टीम ऑफ एक्सपर्ट होने चाहिए इस मामले में कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से आगे लेके जाए, उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट से बात करना चाहिए था और फिर जो है सिचुएशन कैसे आगे बढ़े ये देखना चाहिए था, कैसे कोविड-19 को रोका जाए ये देखना चाहिए था। कुछ राज्य सरकारों ने आगे आए और इन तरीके से उन्होंने काम किया, प्राइवेट लेबोरेटरीज़ को सब्सिडाइज्ड रेट में जो है लोगों को ऑफर कर दी। हालांकि सरकार ने जो है कहा है कि ये टेस्ट 4,500 का आएगा, इसके ऊपर नहीं होएगा, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास जो पेशेंट हैं, अपने जैसे जो अपने कई लोग हैं ऐसे, उनके लिए 4,500 का पर टेस्ट बहुत महंगा पड़ जाता है। खैर हम तो फिर भी चलो मान लो किसी ना किसी तरीके से हेल्थ को ऊपर रख के दे दें, लेकिन जिनके पास है ही नहीं वो कहाँ से देगा, किससे मांगेगा? तो पुअर जो है, एक्सट्रीमली पुअर, उनको इसकी असिस नहीं है, ना प्राइवेट हेल्थ केयर में उनको सब्सिडाइज रेट मिल रही, 4,500 उनको देने पड़ रहे हैं तो वो कहाँ से देगा। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि पेशेंट को कोई कॉस्ट ना आए। अभी लॉकडाउन लिफ्ट होने से पहले ज़रूरी है कि क्वारंटाइन और एडुकेट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी कई स्टेप्स ले चुके हैं ऐसे तो वो, कि प्राइवेट होटल्स को वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में तब्दील कर रही हैं, और एक तरीका ये है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज़ को टेक ओवर कर ले सरकार, हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर ले, ये सब कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसमें स्पेन का, ब्रिटेन का एग्जांपल दिया जा रहा है कि इस तरीके से उन्होंने जो है ये सब किया। अब गवर्नमेंट कह सकती है कि कोविड-19 को हमने आयुष भारत योजना में जो है डाल दिया, इससे गरीबों का ख्याल हो जाएगा क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा। पर आयुष्मान भारत के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर मिडिल क्लास व्यक्ति इसमें इलाज नहीं करा सकता, गरीब लोगों को इलाज मिलेगा, और आपने आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। तो कुल मिला के मिडिल क्लास जो 4,500 अफोर्ड भी नहीं कर सकता और आयुष्मान भारत के अंदर आता भी नहीं क्योंकि वो इतना भी गरीब नहीं है, तो उसके लिए तो 4,500 ज़्यादा हो गए ना, तो इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागेगा। अब प्राइवेट सेक्टर अब 4,500 रुपये ले रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट को अपनी अकाउंटेबिलिटी, क्या गवर्नमेंट जो है इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं ला सकती क्या? प्राइवेट सेक्टर ने जो इतनी सब्सिडियाँ खाई है अब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, वो समय आ गया कि वो चुका दें। तो
क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स केवल उनके लिए ही हैं जो पैसा दे सकते हैं? तो ये जरूरी है कुछ सवाल पूछने। OTT प्लेटफॉर्म्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब आजकल जिस तरीके से वेब सीरीज़ और मूवीज़ ला रहे हैं इनको कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप। इनके कुछ फ़ायदे हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कुछ वजह हैं, आंसर में पूछ ले तो लिख दीजिएगा। एक तो बहुत कम जो है पैसा इनमें देना पड़ता है, मतलब अगर मैं यूजर की बात करूँ, जैसे अगर चलाने वालों की बात करूँ तो हमको बहुत कम पैसा देना पड़ता है, घर बैठे बैठे हम देख लेते हैं, तकलीफ़ नहीं होती, और कोई भी मिडिल क्लास जो है वो इसको अफोर्ड कर सकता है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और मैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बोलूँ तो इनको पैसा कम लगता है, बजट बहुत कम आता है, और बजट कम आने के बाद जो है ये सारे अफोर्डेबल तरीके से यूजर को प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी सर्विसेज। इसकी वजह से जो है ये आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी? जो हमारे ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे ऐसे जो एक्टर्स हैं जिनको कहते हैं ना कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, कि स्टार का बेटा स्टार बनता है, वो उन जो लोग हैं जो जिनके एक्टिंग की जिनमें कला है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा, उनको जो इसमें लाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और साथ ही साथ जो है कई फ़ायदे इसके नज़र आते हैं। लुकिंग ईस्ट टू कंटेन COVID-19, इसमें बात हो रही है किस तरीके से साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग और सिंगापुर, चाइना ने मिलके अपने लोगों के साथ होनेस्टी दिखा के काम किया। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को क्वारंटाइन में रखा, साउथ कोरिया ने एग्रेसिव टेस्टिंग की। अभी मैं पढ़ रहा था USA ने 10 लाख लोगों की टेस्टिंग कर ली, जहां भारत 40-50 हज़ार लोगों की टेस्टिंग कर पाया। हांगकॉन्ग, सिंगापुर, चाइना, बहुत तेज़ी से इन्होंने टेस्टिंग की। तो दो चीज़ों पर टिके रहे, पहला तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एग्रेसिवली इन्होंने इंटेलिजेंस यूज करते हुए हर एक आदमी के कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जिसको भी हुआ था या जिसके सिम्टम है, सबको इन्होंने जो है ट्रेस करके आइसोलेशन में डाल दिया। दूसरी चीज इंफॉर्मेशन, इन्होंने क्या किया, अपने सिटीजन्स की जो लोकेशन है वो एक ऐप लॉन्च कर दिया, उस ऐप में सारे सिटीजन्स की लोकेशन होती हैं, ट्रैक किया कि कोई आदमी बाहर तो नहीं निकल रहा, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये किया। तो इन्फेक्शन वाला काम अलग कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम अलग कर दिया। अब भारत में भी जैसे आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप लॉन्च हुआ है वो एक तरीके से इसी राह पर एक कदम है। लुकिंग ईस्ट का मतलब क्या है? साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग भारत की ईस्टर्न वार्ड कंट्रीज़ हैं। अब तक हमारी आदत थी कि इंडिया USA यूरोपियन कंट्रीज़ को इनको देखता आया था, कुछ करना हो तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, USA। अब ये खुद कंट्रीज़ फेल हो चुके COVID-19 को कंटेन करने में, तो इंडिया जब ईस्टवर्ड मुड़ के देखता है तो लगता है कि यार ताइवान में तो सबसे लोएस्ट केस है, ताइवान ने ऐसा क्या किया, ताइवान के पास इतना पैसा भी नहीं है। तो जब देखते हैं तो पता चलता है अच्छा ये चीज़ें थी और उस राह पे हम चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लुकिंग ईस्ट यानी हम आपको ईस्टवर्ड हमको देखना पड़ेगा। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।